दीपावली पर निबंध। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका। भारत को त्योहारों का देश माना जाता है। भारत के मुख्य त्यौहार होली, रक्षाबंधन, दशहरा और दीपावली हैं, पर इन सभी त्यौहारों में दीपावली सबसे अधिक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार दीपों का पर्व है, जब हम अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित करते हैं तो हमें एक असीम और अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। दिवाली भी ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रतीक है। इस दिन दीपावली दीप जलाए जाते हैं, इसलिए इसे दीपों का पर्व भी कहा जाता है। दीपावली को तद्भव भाषा में दिवाली भी कहा जाता है। दीपावली को हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। दीपावली को लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है। दशहरे के त्यौहार के बाद से ही दीपावली की तैयारियाँ की जाने लगती हैं। जो लोग नौकरियाँ करते हैं उन्हें दीपावली का पर्व मनाने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी भी दी जाती है, ताकि वे अपने परिवार के साथ कुछ खुशियों से दीपावली मना सके। दीपावली को अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इस पर्व के दिन लोग रात को अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए दीपों की पंक्तियां जलाते हैं और प्रकाश करते हैं। नगर और गांव दीपों की पंक्तियों से जगमगाने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो रात दिन में बदल गई हो। दीपावली का अर्थ। दीपावली शब्द संस्कृत से लिया गया है। दीपावली 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, दीप और आवली, जिसका अर्थ होता है दीपों से सजाना। दीपावली को रोशनी का त्यौहार और दीपोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चारों ओर दीपों की रोशनी होती है। इस दिन हम सभी दीपों की पंक्ति बनाकर अंधकार को मिटाने में जुट जाते हैं और अमावस्या की अंधेरी रात जगमगाने असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। दीपावली का यह पावन पर्व कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। गर्मी और वर्षा ऋतु को विदा कर शीत ऋतु के स्वागत में यह पर्व मनाया जाता है। उसके बाद शीत के चंद्र की कामनीय कला सबको चित्त चकोर को हर्ष विभोर कर देती है। शरद पूर्णिमा को ही भगवान कृष्ण ने महारास लीला का आयोजन किया था। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दीपावली का इतिहास। जब भगवान श्री राम लंकापति रावण को मार कर और 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पर प्रसन्नता प्रकट करने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए दीपक जलाए थे। उसी दिन की पावन स्मृति में यह दिन बड़े ही उत्सव से मनाया जाता है। इस दिन के अवसर पर भगवान राम की स्मृति बिल्कुल ताज़ा हो जाती है। इस दिन समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, इस वजह से दीपावली पर लक्ष्मी पूजा की जाती है और घर में धन धान और ऐश्वर्य की कामना की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। दीपावली की तैयारियां। दीपावली की तैयारियां लोग दशहरे से ही करने लग जाते हैं। दीपावली से पहले लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और घर की लिपाई पुताई करवाते हैं। दीपावली के अवसर पर लोग अपने लिए नए कपड़े, मोमबत्तियाँ, खिलौने, पटाखे, मिठाइयाँ, रंगोली बनाने के लिए रंग और घरों को सजाने के लिए बहुत सामान खरीदते हैं। दीपावली के दिन पहनने के लिए नए कपड़े बनवाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, घरों को सजाने के लिए बिजली से जलने वाली झालर लगाई जाती है। दीपावली भारत का सबसे अधिक प्रसन्नता और मनोरंजन का पर्व है। इस दिन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में खुशी की लहर उत्पन्न हो उठती है। आतिशबाजी और पटाखों की आवाज़ से सारा आकाश गूंज उठता है। लोग शरद ऋतु के आरंभ में घरों की लिपाई पुताई करवाते हैं तथा कमरों को चित्रों से सजवाते हैं। अच्छी तरह से साफ सफाई करने की वजह से मक्खी मच्छर भी धूल दूर हो जाते हैं। दीपावली पर्व का महत्व। दीपावली का भारत देश में बहुत अधिक महत्व है। इस दिन को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को बहुत ही सुंदर और बड़े पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार दीपावली का त्यौहार श्री राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण के 14 वर्ष 2 महीने के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। भगवान के कुछ क्षेत्र
भारत के कुछ क्षेत्रों में महाकाव्य महाभारत के अनुसार दीपावली त्यौहार को पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद लौटने की खुशी में भी मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन करते समय माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। भारत के कुछ पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में नव हिंदी वर्ष के रूप में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। दीपावली का वर्णन। दीपावली त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा त्यौहार होता है। दीपावली से 3 दिन पहले धनतेरस आती है। इस दिन अहोई माता की पूजा किया जाता है। इस दिन के अवसर पर लोग पुराने बर्तन को बेचते हैं और नए बर्तनों को खरीदते हैं। सभी बर्तनों की दुकानें बर्तनों से बहुत ही अनोखी दिखाई देती है। चतुर्दशी के दिन लोग घरों के कूड़े करकट को बाहर निकालते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस के दिन व्यापारी अपने नए बही खाते बनाते हैं। अगले दिन नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पूजा में खील बतासे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नए कपड़े पहने जाते हैं। असंख्य दीपों की रंग बिरंगी रोशनियां मन को मोह लेती हैं। दुकान बाजारों और घर की सजावट दर्शनीय रहती हैं। अगले दिन परस्पर भेंट का दिन होता है। एक दूसरे के गले में लगाकर दीपावली की शुभकामनाएँ दी जाती हैं। गृहिणियाँ मनमानों का स्वागत करती हैं। लोग छोटे बड़े गरमीरी गरीबी का भेदभाव बुलाकर आपस में मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। महान पुरुषों का निर्वाण दिवस। दीपावली के दिन ही जैनों के तीर्थकार महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस वजह से यह दिन जैन भाइयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद और स्वामी राम तीर्थ भी इसी दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। ऋषि निर्वाणोत्सव का दिन आर्य समाजी भाइयों के लिए विशेष महत्व रखता है। सिख भाई भी दीपावली को बड़े समारोह के साथ मनाते हैं। इस प्रकार यह दिन धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा पवित्र होता है। लक्ष्मी पूजन। यह पर्व शुरू में महालक्ष्मी पूजा के नाम से मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन ही समुद्र मंथन में महालक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। आज भी इस दिन को घर में महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। सारे दिन लोग अपने इष्ट बंधुओं और मित्रों को बधाई देते हैं और नूतन वर्ष में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बाल बालिकाएं नए कपड़े पहनकर मिठाइयां बांटते हैं। रात के समय आतिशबाजी चलाते हैं। बहुत से लोग रात के समय लक्ष्मी पूजन भी करते हैं। कहीं कहीं पर दुर्गा सप्तमी का पाठ किया जाता है। जो लोग तामसिक वृत्ति के होते हैं वे जुआ खेलकर बुद्धि नष्ट करते हैं। स्वच्छता का प्रतीक। दीपावली जहाँ पर अतिकरण के ज्ञान का प्रतीक है वहीं पर प्राय स्वच्छता का भी प्रतीक है। घरों में मच्छर खटमल पिस्सू आदि धीरे धीरे अपना घर बना लेते हैं। मकड़ी के जाल लग जाते हैं। इसलिए दीपावली के से कई दिन पहले ही घरों की सफाई लिपाई पुताई और सफेदी होने लग जाती है। सारे घर को चमकाकर स्वच्छ किया जाता है। लोग अपनी परिस्थितियों के अनुकूल घरों को सजाते हैं। बुराइयां। किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर बने त्यौहार को भी कालांतर में विकार पैदा हो जाते हैं। जिस लक्ष्मी पूजा लोग धन्य धान की प्राप्ति हेतु बड़ी श्रद्धा से करते थे उनकी पूजा बहुत से लोग जुआ खेल के लिए भी करते हैं। जुआ खेलना एक प्रथा बन गई है जो समाज व पावन पर्व के लिए एक कलंक के समान है। इसके अलावा आधुनिक युग में बॉम्ब पटाखे भी कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। आज के समय में पूरे भारत में पटाखों का प्रयोग बहुत ही जोर शोर से होता है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन भारत के प्रदूषण की मात्रा 50% बढ़ जाती है। पटाखों का उपयोग करके हम थोड़ी देर के मजे के लिए अपने पर्यावरण को बहुत हद तक बर्बाद कर देते हैं। आतिशबाजी हमारे शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। दीपावली में पटाखों का प्रयोग करके हम भारतीय केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का प्रदूषण बढ़ाते हैं। पटाखों के कारण ऐसा बहुत ही हादसे होते हैं जिनका शिकार बच्चों से लेकर बड़े तक हो जाते हैं।
पटाखों के धुएं की वजह से अस्थमा और कई प्रकार की अन्य बीमारियां हो जाती हैं। पटाखों की वजह से सभी तरह का प्रदूषण होता है, जैसे धुएं के कारण वायु प्रदूषण, पटाखों की आवाज़ के कारण ध्वनि प्रदूषण, जहरीले पदार्थ धरती पर गिर जाने से भूमि प्रदूषण, पटाखों का जहरीला पदार्थ पानी में मिल जाने की वजह से जल प्रदूषण आदि। उपसंहार। दीपावली हमारा धार्मिक त्यौहार है। दीपावली का पर्व सभी पर्वों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। हमें अपनी पर्वों की परंपराओं को हर स्थिति में सुरक्षित रखना चाहिए। परंपराओं से हमें उनके आरंभ और उसके उद्देश्य को याद करने में आसानी होती है। परंपराएं हमें उस पर्व के आदिकाल में पहुंचा देती है जहां पर हमें अपनी आदिकालीन संस्कृति का ज्ञान होता है। आज हम अपने त्योहारों को भी आधुनिक सभ्यता का रंग देकर मानते हैं, लेकिन हमें उसके आदि स्वरूप को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें हमेशा यथोचित रीति से मनाना चाहिए। जुआ और शराब का सेवन बहुत ही बुरा होता है, हमें सदैव इससे बचना चाहिए। आतिशबाजी पर अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। हम सभी का कर्तव्य होता है कि हम अपने पर्व की पवित्रता को बनाए रखें। इस दिन लोग व्याख्यान देकर जनसाधारण की को शुभ मार्ग पर चला सकते हैं। यह त्यौहार नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी काम और व्यवहार से किसी को भी दुख ना पहुँचे, तभी दीपावली का त्यौहार मनाना सार्थक होगा। धन्यवाद।